नमस्कार, आप देख रहे हैं SJ7 न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। खबर छतरपुर से है, जहां पर एक युवक के पेट के ऑपरेशन में लोहे की वस्तुएं निकाली गई हैं, वो भी एक नहीं पूरी की पूरी 33। आइए जानते हैं क्या है पूरा माजरा। मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक प्राइवेट चिकित्सक डॉक्टर MPN खरे ने एक अनोखे ऑपरेशन को अंजाम दिया है। जिसने भी इस ऑपरेशन के बारे में सुना वह आश्चर्यचकित रह गया। दरअसल डॉक्टर खरे के पास योगेश ठाकुर नामक युवक पेट दर्द की शिकायत लेकर आया था। साथ ही योगेश के परिजनों ने बताया था कि योगेश ने एक माह पहले एक आधी ब्लेड निगल ली थी, पर हम लोगों को योगेश की बात पर विश्वास नहीं हुआ था। इससे लगातार पेट दर्द की शिकायत रहती है। डॉक्टर खरे ने मरीज योगेश का एक्सरे सीटी स्कैन करवाया तो रिपोर्ट देखकर डॉक्टर साहब भी हतप्रभ रह गए। योगेश के एक्सरे सीटी स्कैन में कई लोहे की वस्तुएं समझ में आ रही थीं। तब डॉक्टर को मरीज ने बताया कि वह लोहे की वस्तुएं खाने का आदी है। इसके बाद करीब 2 घंटे चले ऑपरेशन में योगेश के पेट से एक नहीं पूरी की पूरी 33 लोहे की वस्तुएं निकलकर सामने आईं, जिसमें लोहे की आरी ब्लेड, पेन, कीलें, सूजा और साइकिल में इस्तेमाल होने वाली पीली रबड़, वाल आदि शामिल हैं। इस ऑपरेशन के बारे में जिसने भी सुना वह आश्चर्य करे बगैर नहीं रह सका। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि एक इंसान आखिर लोहे की चीज़ें कैसे खा सकता है। वहीं इस अजीबोगरीब ऑपरेशन को अंजाम देने वाले चिकित्सक डॉक्टर MPN खरे का कहना है कि ऐसा ऑपरेशन उनकी जिंदगी का पहला अनुभव जी है। सर, ये किस तरह का ऑपरेशन था और क्या ऐसा पेशेंट जो है ये पहली बार हुआ छतरपुर में, ऐसा लगा है क्या? हाँ, एक यंग पेशेंट है जिसको कुछ अजीब गरीब चीज़ें खाने की आदत थी, जिसमें पेन है, पेंसिल है, तार है। तो कुछ व्यक्तियों में किसी कारणवश, किसी मानसिक अवस्था के कारण वो अपने आप को रोक नहीं पाते ऐसी चीज़ें खाने से। चूंकि इस तरह का पेशेंट छतरपुर में हमारे कैरियर में पहली बार आया है और इतना अधिक सामान उसमें पेट में निकला है, इसलिए थोड़ा सा विचित्र भी है। इतनी नुकीली चीज़ें होने के बावजूद भी मरीज अभी तक जिंदा रहा और ऑपरेशन भी अच्छा हो गया उसके बाद, ठीक है। तो विचित्रता इसमें यही है कि अभी तक वो इतनी सब चीज़ें खाने के बाद भी आज की तारीख में ठीक ठाक है। हमारे पास आया था वो पेट दर्द के लिए, साथ में कुछ उसके पास एक्सरेज भी थे जो उसने कहीं बाहर करवाए थे। उन सबको देखने के बाद में मरीज की स्थिति देखते हुए मरीज के जो अटेंडेंट थे उनको सबको समझा दिया गया कि भाई थोड़ा सा खतरा तो है इसमें, क्योंकि जो चीज़ें फंसी हुई हैं वो खाने की नली से लेकर के और छोटी आँख तक फैली हुई हैं। तो सब लोग तैयार हो गए, उसको ब्लड की व्यवस्था करवाई। हमारे डॉक्टर अरविंद शुक्ला हैं एनेस्थीसिया वाले, उन्होंने उसका पहले चेकअप किया और पूरा वर्कअप करने के बाद में फिर डिसाइड किया कि हम इसको यहाँ पे कर सकते हैं। रिस्क है लेकिन फिर भी इसको किया जा सकता है, क्योंकि अटेंडेंट्स भी तैयार थे। ये कितने घंटे सर ऑपरेशन चला? हाँ, ऑपरेशन करीब 2 से 2.5 घंटे चला है और पूरे समय मतलब इतना लंबा एनेस्थीसिया देना भी थोड़ा सा एक्सपर्टाइज चाहिए होता है उसके लिए, लोगों ने वो काम अच्छे से किया। किस तरह के औजार मिले हैं और कितने औजार मिले हैं? हाँ, इसमें औजार हैं, एक तो मुख्य रूप से पेन है, प्लास्टिक के पेन हैं जिनकी लंबी लंबी नुकीले आगे रिफिल भी हैं, जिनके पॉइंट्स मेटल के पॉइंट्स एक्सरे में दिख रहे हैं। इसके अलावा आरी है एक छोटी, जिसके आरी का जो ब्लेड होता है वो आधा करीब 5 इंच 6 इंच का पीस है, उसमें काफ़ी जंग भी लगा हुआ है। लकड़ी के टुकड़े हैं, तार हैं और दो बहुत अजीब चीज़ें मिली जिनसे कि मतलब व्यक्ति को कभी भी नुकसान हो सकता था। बोरा सिलने का जो सूजा होता है, इसमें एक तरफ छेद होता है, तो दो सूजा मिले हैं उसके पेट में और एक सूजा तो खाने की नली से लेके और अमाशय तक आया हुआ था। मतलब यदि कहीं कुछ को झटका लगता, कुछ लगता तो कहीं भी घुस सकता था, लेकिन ईश्वर कृपा से उसको किसी भी ऐसे वाइटल ऑर्गन में कोई डैमेज नहीं हो पाया और सारी चीज़ें बड़ी सावधानी पूर्वक निकाली। तो अच्छा रहा, मतलब कुल मिला के मरीज आज की तारीख में बढ़िया है। और सर्जरी में रिस्क तो रहती है, हर जगह रिस्क रहती है, देश में भी रिस्क थी, लेकिन
लेकिन एक टीम वर्क था और ईश्वर का आशीर्वाद, वो सब चीज़ें ठीक, मरीज भी अच्छा। थैंक यू सर।